Good evening. Welcome to this uh, session uh, for the innovation and entrepreneurship preparation. And today, once again, we are going to discuss some new topic. Okay. So quickly show me a thumbs up, guys, if all of you are ready, so that we can get going. Before we start the session today, I would like to ask you a couple of questions. This question are similar to what were asked in the previous year paper. That's from business awareness, guys. So quickly answer this question. Chalo. दे इस टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स साथ में सबसे पहले लाइक like बटन दबा देना है यार फ्यूल डाल दो सब लोग और जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके गाइस कोई दुविधा तो नहीं है ना दुख दर्द परेशानी नहीं है ना तो वो भी मुझे बता दो हाय ग्रेट गुड इवनिंग गाइस कैसे हो सब लोग हा हा गाइस यहां पे कुछ तो ऑप्शन गलत हो हैं है ये नंदन रेड्डी कहां से आ गया या yeah, चार तीन ही ऑप्शन बचे यार ये क्या झोल हो गया हम्म आई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस अच्छा ये कौन सी कंपनी है बाय द वे कैन यू टाइप द नेम ऑफ दिस कंपनी इन द चैट बॉक्स गाइस करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर नो डाउट अबाउट दैट स्मार्ट हो गए हो आप लोग ऐसे <laughs> मैंने सवाल भी तो इजी पूछे थे <laughs> Guys, ये कौन सी कंपनी का लोगो है, बाय द वे ऑफ़ कोर्स इसके नीचे लिखा रहता है नॉर्मली कार देखो ये आप सबको बताइए ओला ये मतलब ये भी बहुत पॉपुलर है ये किसका है बिग बास्केट राइट बिग बास्केट हरी मैनन ने उसको को फाउंड किया था इज अ को फाउंडर नॉट द फाउंडर अच्छा ये किसका लोगो है बताओगे ये किसका लोगो है क्या पता है ये क्रेड करेक्ट दिस इज अ क्रेड लोगो यू नो इट्स इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बेसिकली आपको क्रेडिट कार्ड के अलग अलग कंपनी के बिल एक जगह से आप पे कर सकते हो एंड दूसरी काफी सारी और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो उसका फाउंडर कुनाल शाह है सीरियल ऑन्ट्रप्रेन्योर बंदा क्या करता है कंपनी बनाता है बेचता है चार पांच हजार करोड़ निकलता है फिर वापस नहीं कंपनी बनाता है ठीक है सो so, खतरनाक बंदा है कुनाल शाह ठीक है राइट right. चलो ऐसा एक और क्वेश्चन ले ले दोस्तों आर यू ऑल रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन राइट या सो ह्योर इट कम्स so here it comes guys please try for this let's see e of the following four business personalities are connected in certain way find the odd one out guys odd one out kon hai isme ha huh? ha अब ये मत कहना कि नमिता थापर क्योंकि वो एक लेडी है दोस्तों ठीक है वो बहुत ही फालतू लॉजिक हो जाएगा जेंडर बेसिस पे अलग करोगे तो यार मेरा ऑडियो बराबर है यार दोस्तों मेरा ऑडियो बराबर है कि नहीं यार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो ये कुछ लोगों को हमेशा दिक्कत आती है यार अब मैं क्या करूं माइक को ऐसे मुंह में डाल दू गले के अंदर फिट करवा लू क्या हा सीधा <coughs> वॉइस ऑर्गन से ही सीधी अंदर आपके कंप्यूटर में आवाज आ जाएगी हाँ <coughs> क्या आंसर आएगा दोस्तों ये देखो एक कहता है एक कहता है नमिता था थापर क्योंकि वो हमेशा बिजनेस से आउट हो जाती है बाकी तीन लोग हमेशा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी यार गाइस ये थोड़ी ना रीजन बना ये तो आपका घर का रीजन हुआ है यार होम प्रोडक्शन मत करो ऑन नया चैप्टर आज से करेंगे ऑन्टरप्रिनशिप डेवलपमेंट ठीक है राइट गाइज द आंसर इज नमीना नविता था पर क्यों ये जो तीन लोग है ना ये तीनों लोग किससे जुड़े हुए पता है दे आर द को फाउंडर्स को फाउंडर्स ऑफ स्विगी ठीक है फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ स्विगी स्विगी से जुड़े हुए ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि दो फाउंडर थे फिर तीसरे ने ज्वाइन किया बट अल्टीमेटली कर रही है ठीक है दोस्तों नविता थापर इज मां किसकी फार की मां राइट right, फार मा ओके okay. चलो सो so गाइज ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं प्लीज बी अलर्ट ठीक है कि आपको चार लोग दे दिए कोई तीन लोग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हो सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंपनी से रिलेटेड हो ऐसा भी हो सकता है कि तीन जो है है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में या फिनटेक है और एक कुछ अलग इंडस्ट्री का स्टार्टअप है तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है बट एटलीस्ट ऐसे टिक करके मत आना कि सर चार आए थे उसमें से एक मेल एक फीमेल थी बाकी तीन मेल थे तो मैंने फीमेल टिक कर दिया ठीक है ये वाला काम मत करना

एंड गाइज दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप द टाइप क्रिएटेड फॉर सीमेंट एस्पायरेंस बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी जैसे ही एग्जाम पास आएगा नोटिफिकेशन वगैरह आएगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तो सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना इसको ठीक है एंड प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड प्लेटी ऑफ यूजफुल लिंक्स अच्छा कॉन्ट फॉर सीमेंट गाइज कॉन्ट फॉर सीमेंट वो भी मैं ला रहा हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग विडियोज लेके आ रहा हूँ सो so, आज देखना वीडियोज में क्या होगा दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है

रहेगा एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर अब मतलब मतलब उसमें आउट ऑफ़ भी आ गया काफी लोग कहते सर आप प्लस ही टारगेट करवा रहे हो क्या डिस्कस करना है नहीं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इनोवेशन एडप्शन लाइफ साइकिल क्या ये सबको याद है इनोवेटर अर्ली मेजोरिटी लेट एंड ये आप सबको क्लियर होगा हमने इसका एक टेस्ट भी लिया था आपका दूसरा टेस्ट कल है दोस्तों कल आपका परसों ऐसे रखेंगे ठीक है तो यह हमने कर लिया था तो आज हम क्या करने वाले दोस्तों तो ये हमने निपटा दिया ये टॉपिक हमने निपटा दिया वी आर ऑन दिस टॉपिक तो कोशिश करेंगे दो टॉपिक कंप्लीट करें ठीक है बट वो तभी हो पाएगा जब सफिशियंट फ्यूल डला है गड्डी में दोस्तों गड्डी में उसके लिए अच्छा खासा फ्यूल लगता है तो जल्दी से डालो यार अभी तक मतलब क्या है टंकी मेरी रिजर्व में चल रही है गड्डी ठीक है तो डालो जल्दी से है ना तो दो टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं आज और फिर ये सारे टॉपिक्स भी हम करेंगे चलो सो गाइस हु इज एन सोकाइज आप सबने समझा हुआ है तो एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन ऑन्ट्रप्रन इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस

बट अगेन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन्ट्रप्रन जैसे हम बात करेंगे सोशल ऑन्टरप्रिन की तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है बट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज डेफिनेटली प्रॉफिट ठीक है तो वो चीजें हम देखेंगे बट आपको ये ऑन्ट्रप्रनियर entrepreneur, ऑंट्रप्रिन समझ में आना चाहिए लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये भी एक चीज समझ में आनी चाहिए टाइप ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप ठीक है तो कौन से टाइप की ऑन्ट्रप्रिन आपकी तो मेन चार टाइप की ऑन्टरप्रिनरशिप है स्मॉल बिजनेस ऑन्टरप्रिन

आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ गाइज इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर डेफिनेटली गो फॉर प्लसिंग माई कोट चार्ट एड प्लीज रिकमेंड टू ऑलिंग ओके तो, okay? तो गाइज हमें ये चार टाइप के ऑन्टरशिप डिटेल में देखने हैं ओके गाइस गाइस कम ऑन ऑन जस्ट कम बैक एवरीवन सॉरी सम स्लाइट नेक्शन ठीक है राइट एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो इज एवरीथिंग ओके नाउ अभी अभी कंफर्म कर लो दोस्तों अभी सबको आवाज आ रही है थोड़ा सा एक लैग आ गया था शायद इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ था ठीक है सो गाइस सबसे पहले हमें समझना है बिफोर वी लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन्टरप्रीनरशिप हमें सबसे पहले यह समझना है कि एंड बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है यू you नो know, काफी बार आपको ये चीजें पूछी जाती है तो ये समझना भी जरूरी है कि एंड बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस पार्ट गाइस जस्ट मोमेंट ये सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ तो गाइज ऑन्ट्रप्रिन्य जो होता है बिजनेस विथ अ यूनिक आइडिया न्यू मार्केट लो कंपेरिजन लो कंपिटिशन टेकिंग रिस्क मार्केट लीडर रिवॉल्यूशन इन दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जबकि जो बिजनेसमैन होता है नॉर्मली स्टार्ट अजनेस विथ एन एग्जिस्टिंग आइडिया क्रिएट्स प्लेस इन एग्जिस्टिंग मार्केट वेरी हाई कॉम्पिटिशन ठीक है कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली अवॉइड टू टेक रिस्क ठीक है तो क्या देखो अगर कोई एक स्टील बैरन है या फिर जैसे आप धीरू भाई मानी ले लो तो क्या उनको ऑन्ट्रप्रनियर कहेंगे या बिजनेसमैन कहेंगे तो ही वॉज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन क्योंकि उन्होंने जो पेट्रोलियम का बिजनेस शुरू किया था वो कोई नया बिजनेस नहीं था यार पेट्रोलियम का वैसे भी चल रहा था उन्होंने वही चीज वापस शुरू करी थी डू यू विद दिस गाइस तो वो एक बिजनेसमैन हो गया राइट ही इज अ मार्केट प्लेयर ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये सारे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है है ना सो या कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन आई एम श्योर यू कैन राइट एंटरप्रेन्योर तो आपके सामने बहुत ही आ जाएंगे नए नए काफी सारे कंपनीज आए स्टार्टअप्स आए तो वो सारे एंटरप्रेन्योर हो गए

So, ये सब लोग एक बार देख लेना। चलो सो so, अभी शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑनप्रिन एंड दिस आर अदर थ्री तो हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है तो so, भाई सबसे पहला है स्मॉल बिजनेस ऑन्टरप्रिन ठीक है ठीक है? सो दिस बिजनेस आर ड्रेसर ग्रोसरी स्टोर ट्रैवल एजेंट कंसल्टेंट कारपेंटर इलेक्ट्रीशियंस तो ये सारे जो है इनोवेटिव आइडिया uh, लेके नहीं आ रहे तो आपको बिजनेस ऑन्टरप्रिनरशिप कहो या बिजनेस ओनर्स भी कह सकते हो आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस लोकल शॉप्स जो इंडिविजुअली वो चलाते हैं राइट फॉर देम द प्रॉफिट वुड बी Able to feed their family and not making 100 million business, <coughs> taking over an, an industry for them. The objective, yeah, guys, for them, the profit would be able to feed their family and not making 100 million business or taking over an industry.

उसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं एक जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फ्री में मिल जाता है और जो उनको बिल्कुल नहीं मिलता था तो फ्री में मिल जा रहा है और दूसरे वो स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़े और और फीचर्स ले सकते हैं गो फॉर प्लस कोड राइट ओके देखो में भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं है ना राइट चलो सो गाइज ये आपका हो गया ये हो गए स्केलेबल स्टार्टअप ऑंट्रप्रिनरशिप स्केलेबल स्टार्टअप फोकस ऑन हाउ टू क्रिएट model मॉडल दैट इज बोथ रिपीटेबल एंड स्केलेबल what डज इट मीन by स्केलेबल बिजनेस मॉडल स्केलेबल बिजनेस मॉडल ये होता है जिसमें मोर सेल्स with मोर resources हो सकता है ठीक है जैसे अगर मैंने एक छोटा सा दुकान ओपन कर दिया मेरे घर के बाजू में अगर मैं वहां पे सौ लोग लगा दूंगा तो क्या मेरा एक करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा नहीं सौ लोगों में से नब्बे लोगों को छत पे बिठाना पड़ेगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है राशन की दुकान में आर गेटिंग दिस पॉइंट दैट्स नॉट अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल बट अंदर आज सौ फैकल्टी पढ़ा रहे अगर एक हजार फैकल्टी पढ़ाएंगे तो आज दस लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो कल एक करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे आर गेटिंग दिस पॉइंट तो ये स्केलेबल है, है ना <coughs> आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ही ठीक है एक आर्टिकल है कि कफिंग इज अ कॉमन इश्यू नाउ डेज एंड इट्स पार्ट ऑफ दैट कोविड इफेक्ट ठीक है काफी लोगों को ये कफिंग का इश्यू हो रहा है अभी की वजह से जिसको कोविड एक बार हो चुका है सॉरी <coughs> गाइस तो थोड़ा सा बेर करो मुझे आज का अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो उसमें ये आर्टिकल आया है राइट दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स हुउट ऑफ द बॉक्सलीस एंड एमेजॉन गूगल एप्पल अनएकेडमी ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेल ब्लेजिंग स्टार्टअप दैट है वर्ल्ड गाइज ये सारे जो है वो स्केलेबल स्टार्टअप के एग्जाम्पल है इवन फेसबुक ले लो जितने भी कंपनी आप सोच सकते हो ये सारे कभी ना कभी ऐसे स्केलेबल स्टार्टअप शुरू हुए थे उनका कभी विजन छोटा नहीं था ठीक है ना राइट right. कोविड अभी नहीं हुआ है मेरे दोस्त जिसको भी कोविड एक बार हो चुका है उनको कफिंग का इश्यू ज्यादा हो रहा है <coughs> उसके ऊपर आज आर्टिकल आया था यार राइट चलो लार्ज कंपनी ऑन्टरप्रिनरशिप लार्ज कंपनी का मैंने एक छोटा सा रिलीज़ किया था दोस्तों एक शॉर्ट रिलीज किया था इनोवेशन so कुछ कुछ करते रहते हैं ठीक है वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं सो लार्ज कंपनी ऑंटरप्रीनरशिप क्या होती है सो so दिसकल ठीक है उनका लाइफ साइकिल क्या रहता है जो बड़ी कंपनी है उनका लाइफ साइकिल क्या रहता है दे लॉन्च अ प्रोडक्ट ग्रो एंड इंट्रोड्यूस न्यू वेरियंट नॉर्मली इसको आप कहते हो क्या कहते इसको इंक्रीमेंटल इनोवेशन इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहते हैं ठीक है <coughs> जैसे आज ही सैमसंग का कौन सा आया वो गैलेक्सी एस ट्वेंटी थ्री आया आप लोगों ने देखा सैमसंग का गैलेक्सी एस ट्वेंटी थ्री का प्री बुकिंग ओपन हो गया तो कई सैमसंग एक बड़ी कंपनी है तो वो लोग नॉर्मली तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में वेरिएंट लाते रहते हैं जैसे मैंने नाइके का एग्जांपल दिया था तो नाइके ने क्या किया पता है जस्ट टू शोकेस इट्स इनोवेशन कैपेबिलिटी नाइके ने क्या किया 2010 वर्ल्ड कप के तीन टीम्स थी एक तो नेदरलैंड थी और एक ब्राजील थी और एक तीसरी टीम थी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द टीम तो तीन टीम के वो ऑफिशियल स्पोंसरर थे तो उनकी पूरी जर्सी जो है ना उन्होंने रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनाई थी एंड uh, मतलब दैट वाज अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के प्लास्टिक को रिसाइकल करके उन्होंने फाइबर यार्न बनाए और उससे फिर उन्होंने टी-शर्ट्स बनाई थी और एक टी-शर्ट बनाने में 8 बोतल रिसाइकल हुई थी प्लास्टिक की

build uh, pressure for large companies to create an innovative product and sell it to the new set of customers in the market theek hai so ye large company entrepreneurship ka example ho gaya guys are you all clear with this jaldi se ek bar confirm karo ये देखो एक student कह रहा है sir एक minute रुक जाओ मेरा phone आया है अरे मेरे दोस्त मेरे 10 phone आते हैं मैं रुकता नहीं यार अजीब हो यार खतरनाक हो तुम लोग <coughs> राइट चलो गाइज द फोर्थ इज सोशल ऑन्टरप्रिनशिप ओके तो सोशल ऑन्टरप्रिन क्या होती है सो सोशल ऑन्ट्रप्रन आर इनोवेटर्स मेन गोल इज टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट बेनिफिट द वर्ल्ड एंड मेक मनी ठीक है गाइज सोशल ऑन्ट्रप्रेन्यर नॉन प्रॉफिट हो सकते हैं या प्रॉफिट बेस्ड भी हो सकते हैं बट अल्टीमेटली अगर आप ऑनटरप्रेनियर है तो उनको प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा

बहुत ही पॉपुलर है शेफ करके उसका ऑर्गेनाइजेशन है स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन गाइज हैव यू हर्ड ऑफ दिस शेफ हैव यू ऑफ दिस पर्सन उर्वशी सहानी जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आपने सुना है इसके बारे में हम्म hmm? ओके yeah. okay.

इंट्रोप्रेन्योर इज मोटिवेटेड एंड एक्शन अगर एक कंपनी के अंदर एक है, वो कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करता है और थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड वर्क एज एन ऑंट्रप्र विद्लियर विद्प्ट ऑफ इंट्रोप्रेन्योर लास्ट ईयर इंट्रोप्रेन्योर पर क्वेश्चन आया था आप देखो पेपर को इस पर क्वेश्चन आया था चलो सो so, encourage, encourage करती है दो रीजन है उसके एक कंपनी इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है दूसरा कंपनी को पता है कि यार एक ही बंदा जो ओनर है कंपनी का वो सब कुछ नहीं कर सकता उसको और छोटे छोटे owners तैयार करने पड़ेंगे ठीक है और तीसरा एक डर लगा रहता है ये कल उठ के खुद का कंपनी चालू कर देगा उसकी जगह पे मेरी कंपनी के अंदर ही कंपनी चालू करने दो यार सीधी सी बात है ना यार सेल्फिश मोटिव बट ठीक है फायदा है उसका ऑफ इनोवेशन इज लाइक बटन ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों फेसबुक क्या करता है पता है कंपटीशन कंपटीशन करवाता है विद इन द कंपनी उसमें क्या होता है कि सारे एम्प्लॉइज को अपने इनोवेटिव आइडियाज को रन करने का मौका मिलता है और उसमें से <coughs> ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें से जो टॉप टू आइडिया का एक्टिविटीज है, तो करते हैं तो उसी कॉम्पिटिशन में किसी ने सजेस्ट किया लाइक कि बटन like बनाना चाहिए फेसबुक के अंदर एंड लुक एट दट लाइक बटन इट है ठीक है बाद में यूट्यूब ने भी उसको कॉपी कर लिया राइट <laughs> right. <coughs> हाँ, पी वाई क्यू हम सारे कर लेंगे यार एक दिन में सारे पीवाई क्यू हो जाएंगे दो दिन लगेंगे सौ क्वेश्चन है यार सौ भी नहीं है कितने साठ साठ सत्तर क्वेश्चन है दो स्लॉट 2021 जिसमें पचास क्वेश्चन है इनोवेशन ऑन्टरप्रिनशिप के लास्ट ईयर के और बीस क्वेश्चन तो कितना टाइम लगेगा एक दिन लगेगा पूरे पीवाई कर लेंगे डोंट वरी <coughs> पहले सीख ले क्योंकि सीखने के बाद पीवाई क्यों देखेंगे ना तो मजा आएगा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है सब कुछ <coughs> मतलब आप 90% परसेंट क्वेश्चन कर पाओगे जो क्वेश्चन बच गए वो कौन से जीके टाइप हो कि अगर आपको क्रेड का फाउंडर ही नहीं पता है तो फिर दिक्कत है अब वो तो काफी सारे बिजनेस पर्सनलिटी है इमिटेटिव ऑनप्रीनियरशिप सो दे कॉपी वॉट सक्सेसफुल इनोवेटिव ठीक है तो इनोवेटिव ऑन्टरप्रिन को आप चाइनीज चाइनीज्रिप भी कह सकते हो चाइनीज चाइनीज्रिप <laughs> चाइना वाले कॉपी है? है? वर्जन है. है? Right. जिसको कहते हैं इस तरफ रोलेक्स ने कोई एक वॉच बनाई नहीं और उधर मार्केट में रोलेक्स के वॉचिज आ जाते हैं ठीक है बट ऐसा कोई चाइनीज ऑंटरप्रिनशिप करके टर्म नहीं है ठीक है सीरियसली तो मत लेना बट जस्ट एक बता रहा हूं कि दे <coughs> सोच बाई मोहक सोच बाई मोहक क्या तुम खुद हो यार ये कोई उसका कॉपी मार रहा है क्योंकि वो बंदा तो थोड़ी ना मेरा चैनल देखने आएगा उसके चैनल तो मैं देखता हूँ यार अच्छा वीडियो बनाता है सोच बाई मोहक करके एनीवेज <coughs> चलो ओके सो द कॉपी वॉट सक्सेसफुल इनोवेटिव ऑन्टरप्रिन प्रीवियसली डन विथ सम मॉडिफिकेशन गाइज इसमें मतलब नाम जैसा है ना वैसा काम है बायर ऑंटरप्रिनरशिप गाइस सो बायर ऑंटरप्रीनरशिप परचेस इज इधर अ डेवलपिंग और वेल एस्टाब्लिश कंपनी एंड हेल्प देम थ्राइव Guys, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार खुद से ही पूरा बिजनेस शुरू करूं यू नो सपोज मेरे पास सफिशियंट एनी रीजन बाप दादा से आया हो या मैंने खुद ने एक कंपनी बनाई बेच डाली तो कैसे भी आया फंड है तो मैं क्या करूंगा पूरा एक नया कंपनी और एक स्टार्टअप शुरू करने से मैं क्या करूंगा एक अच्छा स्टार्टअप है जिसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा तो मैं उसका स्टार्टअप ही परचेज कर लूंगा ठीक है सो ये हो गया बायर ऑन्टरप्रिनशिप जैसा नाम है वैसा ही है तो ये दोनों बहुत ही सिंपल है ठीक है सो गाइज यस देर आर सर्टिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सो कैन यू थिंक ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक गाइज ऑन्ट्रप्र के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए क्या आप चैट बॉक्स में डालोगे वन बाय वन गाइज देर आर सम समाइव सिक्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीज स्टार्ट पुटिंग इन द चैट बॉक्स आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू कैन थिंक ऑफ दैट मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बतानी चाहिए आप खुद भी सोच सकते होने चाहिए ठीक है देखो ये बंदे का उंगली भी देखो उंगली कर रहा है अब आप तो आपको रिस्क टेकर्स राइट रिस्क टेकर्स ठीक है इनोवेटर्स इनोवेटर्स और क्रिएटिव थिंकर्स इनोवेटर्स और क्रिएटिव थिंकर्स फिर और क्या गाइस क्या दो ही चीज चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी हाथ फुल ऑफ आइडियास या वो सब आ गया गाइज कुछ और लीडरशिप गाइज लीडर्स दे प्रॉब्लम सॉल्वर्स चलो प्रॉब्लम सोल्वर्स लिख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स देन विजन करेक्ट विजनरी गाइज विजनरी शुड है ना लॉन्ग टर्म विजन राइट करेक्ट ओके ऑप्टिमिस्टिक ओके चलो सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूं लेट्स सी सो एबिलिटी टू टेक रिस्क जो आप सबने बताया सबसे पहले इनोवेशन जो आपने बताया है ना विजनरी विजनरियन लीडरशिप क्वालिटी जो आपने बताया ठीक है देखो ये आप सबने वैसे ही बताया है है ना ओके okay. फ्लेक्सिबिलिटी भी किसी ने बताया था फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है तो किसी ने बताया था करेक्ट नॉलेज भी होना जरूरी है गाइस नॉलेज भी होना जरूरी है आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसका नॉलेज होना चाहिए अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो इसमें इसके ऊपर बहुत किया जाता है कि जैसे किसी ने हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए ठीक है प्रोडक्ट्स बनाए तो वो लोग कहते हैं कि तुमने हेल्थी डायट्री प्रोडक्ट्स बनाया लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं या इससे क्या फायदा होता है या इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या होते हैं एंड सो सो फोर्थ राइट सो गाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल और टू बिकम सक्सेसफुल ये देखो शुड बी रिच एंड हैंडसम एंड गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए <laughs> भाई तुम अपने लिए अलायंस देख रहे हो क्या यहाँ पे हाँ अब तो मतलब इंडिया में सब कुछ अलाउड हो गया है तो मतलब मैं समझ सकता हूं कि तुम ओपनली कह सकते हो कि यूर लुकिंग फॉर अ रिच हैंडसम पर्सन ठीक है yeah, though you are a male, <laughs> but that's allowed now, right? but yeah, my friend, this is not uh, that platform. Chalo. <coughs> so, guys, <coughs> sorry, let's begin with q &A. <coughs> let's begin with q&a. ठीक है चलो यार डोंट गो टू कतार वहां चीजें अलाउड नहीं है करेक्ट में तो मतलब एक कपल का विदाउट मैरिज होटल में रहना भी अलाउड नहीं है यार ठीक <coughs> है मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड को कतार नहीं ले जा सकते फिर कहते आओ कतार में चलो एनीवेज गाइस इसका आंसर क्या आएगा वो बताओ विच ऑफ दिस इज नॉट अ चैलेंज फॉर ऑंटरप्रीनियर गाइज फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू कंडक्टिंग ऑंटरप्रिनशिप इन दर कंट्री ये ऑंटरप्रिन का काम नहीं है रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉइज ये मैनेजिंग द कैश फ्लो चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट ये सारे ऑंट्रप्रिन के टास्क है चलो विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑंटरप्रिनरशिप Which ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ entrepreneurship? Of of entrepreneurship? <coughs> क्या आएगा इसमें ऑफकोर्स स्मॉल बिजनेस entrepreneurship, स्केलेबल लार्ज स्केल सारे हैं। सो so, क्या लिखेंगे ऑल ऑफ दिस आएगा कि नहीं राइट ऑल ऑफ दिस बहुत इजी सवाल है ओके okay.

क्योंकि वो तो आप करोगे ही करोगे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है गैस करना है कि नहीं दोस्तों चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर किसी ने पढ़ा है क्या ये कहीं पे हाँ <laughs> ये जो लोग भी ऑप्शन बी कह रहे हैं ना नीड फॉर अफिलियशन वो लास्ट ईयर की मेरी पीपीडी में था जो मैंने आपको बताया था कुछ गलतियां है

तो उसने ये थ्योरी ऑफ नीड्स डिफाइन करी है थ्योरी ऑफ नीड्स ठीक है पीपल हु हैव हाई अचीवमेंट नीड्स आर नोन एज मॉडरेट रिस्क टेकर्स ठीक है सिंस दे नीड चैलेंजेस टू गेट द फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नीड फॉर अचीवमेंट लीड्स टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क गाइस ठीक है अगर आपने लास्ट ईयर की मेरी पीपीडी देखी होगी ना उसमें मैंने नीड फॉर अफिलियशन दिया था क्योंकि काफी सारे सोर्सेस में गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है सो so, या yeah, मुझे भी ऐसा लगा कि यही सही है बट देन मेन आई एक्चुअली चेक इन द बुक ओके सो या इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट ईयर के पीपीडीज छोड़ दो इस बार के देखो दोस्तों कोई गलती नहीं है ठीक है सो गाइज ये ध्यान में रखना कुछ जगह पे नीड फॉर इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है मतलब कुछ सोर्सेज में आप देखोगे ना तो नीड फॉर इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है लोग मन मर्जी से डालते हैं अपनी मर्जी से ठीक है बट प्रॉपर बुक में देखोगे तो दिस इज एक्चुअल थिंग पीपीडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस विच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच ऑफ दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस गाइस इनमें से कौन से फोर्सेस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कंपिटेटिव फोर्सेस टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस इकोनॉमिक फोर्सेस एनवायरमेंटल फोर्सेस क्या आएगा इसका आंसर बताओगे <coughs>

एनवायरमेंटल देता हूं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एनवायरमेंटल या नेचुरल फैक्टर मेरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है ठीक है तो कई जैसे कोई बिजनेस है सुनो ध्यान से कोई बिजनेस है वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है ठीक है एंड पीपल नाव है ठीक है तो वो वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे जैसे कोई कार है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो लोग बी एस सिक्स स्टेज को अभी हमारे यहाँ पे कौन सा चल रहा है चल 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 रहा 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 है 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 शायद या जो जो भी नॉर्म्स भारत स्टेज पोल्यूशन एंड एमिशन नॉर्म्स है उसके हिसाब से तो जो भी कंपनी बी एस सिक्स को फॉलो नहीं कर रही है पीपल विल नॉट बाय द कार बिकॉज दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन एनवाइ आर गेटिंग दिस पॉइंट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी की डेट में तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है लेकिन बीच में एक फेज आया था जब चलता है, कि एक है वो कपड़ों कपड़े बनाती है एपरल ब्रांड है या ज्वेलरी बनाती है कुछ एक्सेसरीज बनाती है और वो एक्सेसरीज में एनिमल्स को मार के कुछ यूज करती है एनिमल किलिंग्स होती है उसकी वजह से तो काफी लोग उसको बंद कर देते हैं तो गाइस इन्वायरमेंटल या नेचुरल फैक्टर भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं या right. okay. yeah, बहुत ही अच्छा example दिया। आजकल दोस्तों जो परचेज करते हैं ना तो सेल्समैन एक चीज आपको बताते हैं कि ये मशीन है ना आपके इतने कपड़े धोने तो सिर्फ पांच लीटर पानी या दस लीटर पानी यूज करता है कंपेयर टू अदर मशीन विच कंज्यूम्स ट्वेंटी थर्टी लीटर्स वाटर So guys, people will buy it more, know Because it's one of the factors that affects uh, the, the buying behavior of consumers nowadays. Which among this is a money manager who is involved in managing risk uh, investments from equity capital with the objective of getting better returns? <laughs> guys, क्या entrepreneur usme? Is entrepreneur that person? Huh? जाएगा इसमें <coughs> गाइस बायर नहीं है बिजनेस पर्सन नहीं, नहीं है एंटरप्रेन्योर नहीं है इट्स वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट गाइस वीसीज तो इसको हम देखेंगे आगे ठीक है ये सारे कौन होते हैं सीड इन्वेस्टर क्या होते हैं एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है सीरीज ए सीरीज बी राउंड ऑफ फंडिंग क्या होता है वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं सारा हम देखेंगे ठीक है चलो गाइज इंपॉर्टेंस ऑफ इसकी उंगली अच्छी है Guys, क्यों जरूरी है क्या आप मुझे बता सकते हो थोड़ा सा सोचोगे और बताओगे कि ऑन्टरप्रिन जैसे इंडिया में ऑन्टरप्रिन क्यों जरूरी है इसे एक इकोनॉमी को एक कंट्री को क्या फायदे होते हैं सो देर आर सर्टिन एडवांटेजेस ऑफ एनकरेजिंग ऑंट्रप्रिनरशिप इन द कंट्री क्या होता है उससे इट बूस्ट इकोनॉमी इकोनॉमीर्स सो इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री ठीक है, फिर डेवलपमेंट यस डेवलपमेंट ओके फिर एम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट फिर जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट ये सब आ गया और क्या आएगा गाइस, अरे आप एक ही चीज बोल रहे हो यस, इनोवेशन 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 के लिए भी ऑन्टरप्रिनरशिप जरूरी है कि नहीं राइट right? करेक्ट चलो तो हम लोग जल्दी से देखते हैं सो क्रिएशन ऑफ जो ठीक एक, एक है इंपैक्ट ऑन सोसाइटी कैसे होती है तो सपोज एक ऑन्ट्रप्रीनियर है उसने छोटे से विलेज में अपना आइडिया इंप्लीमेंट किया और उसकी वजह से उसके जो सारे उसके आसपास के जितने भी विलेज थे वहाँ पे सबको फायदा हुआ तो इकोनॉमिक सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ आपका यहाँ पे। ठीक है? Guys, में जितने ज्यादा होते है, न, बेटर होता है ठीक है सबको सब पता है इसके बारे में स्विट्जरलैंड यू नो वॉट इज स्पेशल अबाउट स्विट्जरलैंड गाइस स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री जरा चेक करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की डेट में आउट ऑफ एवरी इलेवन पीपल इन स्विटरलैंड एक रिसर्च के हिसाब से, is one millionaire. हर में से एक बंदा millionaire और इंडिया में अगर हम देखें हर ग्यारह में से एक बंदा पुअर निकलेगा ठीक <laughs> है बट ठीक है नहीं स्विस बैंक नहीं वो तो बाद में है कह सो तो स्विटरलैंड का हिस्ट्री देखना बहुत ही प्यारा है यूट्यूब में आपको काफी वीडियोज भी मिल जाएंगे लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर इतने ज्यादा है ना, काफी सारे 2 के उनको एक सेफ प्लेस चाहिए था जहां पे हो, वो अपना कर, तो कर गए थे ठीक है? तो उसकी वजह से यूरोपियन काफी सारे अलग अलग कंट्री से वो लोग स्विट्जरलैंड मूव कर गए थे और इसीलिए आज स्विट्जरलैंड का इतना ज्यादा ग्रोथ है राइट रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री आई डोट नो वेदर इट इज द रिचेस्ट ठीक है <coughs> चलो एनीवेज गाइस ट्राई फॉर दिस विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेक्स ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप हा इंडिया में सही बात है हर ग्यारह में से एक इंजीनियर निकलेगा ठीक है जो जॉब ढूंढ रहा होगा शायद हम्म <coughs> <coughs> hmm. क्या सही होगा बहुत ही ऑब्वियस चीज नहीं है दोस्तों ये इट शुड बी ऑप्शन सी के स्मॉल बिजनेस जरूरी नहीं है लार्ज बिजनेस जरूरी नहीं है ऑन्टरप्रिनरशिप टेक्स प्लेस इन वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्सट

क्या हर बार जरूरी है कि आप न्यू ही बिजनेस एस्टेब्लिश करो अब जो हमने कन्वेंशनल डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने कहा था लेकिन बायर भी होते हैं ना तो जरूरी नहीं है है कि आप हर बार न्यू बिजनेस ही करो ठीक टेकिंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क नॉट नेसेसरी गाइज हर एक ऑन्टरप्रिन को रिस्क लेने की जरूरत नहीं है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विजन ठीक है स्ट्रॉन्ग um, विजन या काफी बार ऑंटरप्रिन का कोई विजन नहीं होता एंड दे क्रिएट द बिजनेस ओके

आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है लेकिन कोई भी चीज को कैसे भी पूछ सकते हैं सो वी नीड टू थिंक कि क्या कंटेक्स में क्या फिट हो रहा है है ना <coughs> क्या इसमें दोस्तों ऑलराउंड ऑन्ट्रोप्रेन डेवलपमेंट इज की टू अचीव वॉट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑन्टरप्रिन एक्टिविटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा देखो फिर भी काफी लोगों ने बिजनेस डेवलपमेंट नहीं है भाई बिजनेस डेवलपमेंट तो ऑन्टरप्रनशिप डेवलपमेंट ही है बट इट इज दू अचीव वॉट तो हमने अभी देखा ना ऑन्टरप्रिन के बेनिफिट क्या है राइट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल ऑंटरप्रिन्य विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड

करेक्ट डोंट ट्राई टू मेंटेन दैट स्टेटस स्टेटस क्यू क्यू मतलब मेरा सोसाइटी में स्टेटस क्या है ठीक है तो फंक्शन ऑफ ऑनटरप्रीन्योर आर टू इमेजिन बिजनेस टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी टू सेटअप एंटरप्राइज ऑल ऑफ दर्स ऑल ऑफ दिम्पल था ये छोड़ तो तो देते हैं guys which of the following sentence which of the following is not a characteristic of entrepreneurship which of the following is not a characteristic of entrepreneurship se type chat box me come on once again it will be d managerial training is not a characteristic right i mean it's not a characteristic it's an activity actually and it's not required actually विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकंसिस्टेंट इन द कंटेक्सट ऑफ ऑन क्या आएगा क्या आएगा दोस्तों इसमें Come on, come on. थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट कर सकते हो यस ही सैंडविच बनाए मतलब सैंडविच बना तो मतलब चलो वो तो छोटा ऑन्टोप्रेनियर हो गया लेकिन वो नॉर्मली प्रोडक्शन एक्टिविटी खुद से नहीं करता है वो ऑपरेट नहीं करता है वो मैनेज करता है सो so, ऑपरेट्स की जगह पे क्या होना चाहिए ऑपरेट्स की जगह पे मैनेज होना चाहिए मैनेजेस ठीक है चोल ओके दोस्तों एक चीज बता देता हूं इलेवेंथ टेंथ एंड इलेवेंथ आई एम इन दिल्ली आई एम इन दिल्ली ठीक है एट अन किडमी सेंटर दिल्ली में अनेकडनी का सेंटर है आप गूगल कर सकते हो मैं एड्रेस भी शेयर करूंगा अन किडमी सेंटर ठीक है तो दोस्तों आप लोग मुझे मिलने आ सकते हो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बूट कैंप को जरूर से अटेंड करना इट्स कंप्लीटली अ फ्री बूट कैंप फॉर कैट एस्पायरेंट्स एस्पायरेंट इसको अटेंड कर सकते हैं क्यों अटेंड कर सकते हैं पता है क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक्स ही कराने वाले हैं इसके अंदर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराने वाले बेसिक्स कराने वाले हैं हाँ फोनिक्स नहीं नहीं वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं फोनिक्स वो तुम कर लो ठीक है मैं करवा लेता हूं राइट ओके सो दोस्तों कम एंड एंड मीट मी ओवर देयर उधर मैं कम से कम पांच से छह घंटा अवेलेबल रहूंगा जस्ट फॉर स्टूडेंट इंटरेक्शन ठीक है आउटसाइड क्लासरूम क्लासरूम तो मैं सिर्फ एक डेढ़ घंटा लेने वाला हूं दो दिन -दो -दो -दो. बाकी का टाइम मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा तो आप लोग आके मेरे साथ बात कर सकते हो ठीक है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आपके जो भी क्वेरीज है प्रोफाइल रिलेटेड क्वेरीज है अगर आप आसपास में रहते हो तो प्लीज गाइज कम ऑन दैट डे वन ऑफ दिस डेज कम एंड मीट मी ओ देर ठीक है दोस्तों राइट चलो हाँ इन गाइज प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन इन अंडर डेवलप कंट्रीज लोकल मोबाइल फोन कंपनीज यूज द सेम टेक्नोलॉजी यूज बाई बिग कंपनीज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट विच ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑन्टरप्रूनरशिप इज हाईलाइटेड गाइज क्या आएगा इसका आंसर नहीं, नहीं लेक्चर खत्म नहीं हुआ है एक दो क्वेश्चन और एंड देन विल एंड विल कंटिन्यू टुमारो गाइस एक दो क्वेश्चन जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो हम कल करेंगे राइट गाइस इसमें क्या आएगा इमिडिएटिव ऑन्टरप्रिनशिप करेक्ट ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मिथ एसोसिएटेड विथ ऑंटरप्रिनशिप गाइस क्या आंसर आएगा इसका ऑल बट विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी असोसिएटेड विथ क्या इस क्वेश्चन को समझा क्या इज आंसर इज ऑप्शन डी दिस इज अ मिथ दिस इज अ मिथ ठीक है दिस इज ऑल्सो मिथ

कि ऑन्ट्रप्रेनियर बनने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेना है बट दैट्स मिथ ठीक है सक्सेसफुलियर आर बोर्न नॉट मेड अरे आई एम नॉट अ बोर्न ऑन्टरप्रेन आई एम मेड ऑंट्रप्रई डेंट वेंचर्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल ऐसा कुछ नहीं है Guys, आपका पहला दूसरा तीसरा कोई भी वेंचर हो सकता है ठीक है आपका पहला दूसरा तीसरा कोई भी वेंचर हो सकता है Are you getting this point? <coughs> yup. Yeah. So all these are myth. Have you understood this question, guys? Question को सही से समझो. So answer is option D. ठीक है, दोस्तों, so आज के लिए यहां तक रखते हैं. कल हम ये discuss करेंगे. We are going to discuss this entrepreneurship development process. So idea generation से लेके business growth तक. ये पूरा एक cycle है. इसके ऊपर question आते ही है आपके एक से दो question इसके ऊपर आएंगे. So, ये हमें कल समझना है राइट ओके क्वांट वीडियो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आज रिलीज कर दू थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्डिंग बाकी है बट ये खांसी आती रहती है इसलिए मैं इतना जल्दी कर नहीं पा रहा हूं ठीक है सो या बट आएगा यार अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आया है टेंशन मत करो आपको अच्छा वीडियो दूंगा ओके okay? चलो गाइस सो टुडे ये हम कल कंटिन्यू करते हैं बहुत सारे और क्वेश्चन है जो हमें लेने हैं सो so, क्वांट वीडियो दोस्तों जल्ली आएगा प्लीज चेक दिस इट विल बी एन अमेजिंग वीडियो डेफिनेटली वेरी यूजफुल एंड राइट दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप तो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल ज्वाइन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सीमेंट एस्पायरेंट्स Thank you guys. Time to say adios.